नगरीय निकाय चुनाव के खबर के साथ, जहां 46 निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होगा, तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। सागर, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर जिले में मतदान होगा। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में वोटिंग होगी। बैतूल, रायसेन, खंडवा और बुरहानपुर में भी मतदान होगा। तो अलीराजपुर और झाबुआ जिले में भी मतदान होगा कल। छिंदवाड़ा के 6 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। सागर की नगर पालिका खुरई और गढ़ा कोटा में भी चुनाव होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ सभाएं की हैं, लगातार जनता से जुड़ने का प्रयास मुख्यमंत्री ने किया। तो वहीं कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में लगातार 3 दिन डेरा डाले रखा। कल होने वाले मतदान के लिए दिग्गजों की साख दांव पर है, क्योंकि छिंदवाड़ा बेहद महत्वपूर्ण है, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में छिंदवाड़ा में ना सिर्फ कमलनाथ ने बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार जनसभाएं की। और निकाय चुनाव को लेकर आज किस तरह की हलचल है, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकाश शर्मा जुड़ गए हैं। आकाश, कल 46 नगरीय निकायों में चुनाव होगा, कई ऐसे नगरीय निकाय हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, किस तरह की हलचलें आज देखने को मिल रही हैं? ऋतु, यदि मैं बात करूं, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में चुनाव होना है, जिसमें 17 नगर पालिका हैं और 29 नगर परिषद हैं। इन तमाम में चुनाव प्रचार होना है, इसको लेकर पूरी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है। कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो भी मतदान केंद्र या बूथ हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात करने की बात कही गई है। और साथ में जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो राज्य निर्वाचन आयोग से स्वयं की जाएगी, जिससे किसी भी तरीके से अप्रिय स्थिति न बने। दोनों ही पार्टियां, यदि बात करें कांग्रेस या बीजेपी, छिंदवाड़ा में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी और कोशिश यही की है कि कांग्रेस की जो गढ़ कहा जाता है, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, जिसमें चेनमारी की जाए, वहीं कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी सीट जीते। लेकिन अब हमें कल देखना है कि 8.5 लाख मतदाता अब देखते हैं किसकी किस्मत का फैसला अपनी पेटी में पैक करते हैं। 30 तारीख में रिजल्ट घोषित होगा, तभी पता चलेगा कि जो विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है उसमें किसकी जीत होती है। जी बिल्कुल आकर्ष, क्योंकि किसकी किस्मत खुलती है इसका फैसला तो कल ही लिया जाएगा और 30 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।